गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अति रावल। आप लोग, आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बस बढ़िया, और मैं आ चुकी हूँ पार्लर। जैसे आप देख ही सकते हो, सब बैकग्राउंड पाल ऊपर को लो। मैं करा रही हूँ फेशियल, मेरा बैंड लग चुका है। स्किन बताओ कौन सी है, पता नहीं। अरे पापा, क्या होगा इन लड़कियों का। अरे यार, देखो बताऊंगी ना कुछ। मेरी हो रही है क्लींजिंग, पता नहीं कहां है, मम्मी जानते हैं इनको। इसमें थोड़ी इचिंग होती है, कोई नहीं चलेगा। मेरा डिटेन हो गया था क्लीन, और मेरा हो रहा है अब स्क्रबिंग। स्क्रबिंग अब हो रही है मेरी मसाज, स्लाइड करके स्लाइड स्लाइड स्लाइड। अरे बाबा, मेरा बैंड तो देख कहाँ जा रहा है, ऊपर आसमान में जा रहा है, देख तो। अरे बाबा, तुझको तो करने से ही मतलब है, देख नहीं रही बैंड कहाँ जा रहा है मेरा। आखिरकार मैंने बोल दिया बाबा मेरे को अच्छे नहीं। अरे दीदी, आपका मोड ऑफ है ना, इसलिए नहीं हो रही है। करा चुका था मेरा पैक कम्प्लीट, काफ़ी सॉफ्ट और अच्छी सी स्मूथ हो गई है, और अच्छी भी लग रही है। ग्लोइंग भी हो आई यार, ग्लो आ रहा है। फ्रेंड हाय, कैसे हो आप सब। मैं भी बस बढ़िया हूँ। आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैंने आज कराया था बनाना फेशियल। आजकल समर में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ऑल स्किन टाइप फेशियल, तो सबसे बेस्ट फेशियल है बनाना का। बनाना भी बहुत अच्छा फेशियल है। मेरे ड्राई स्किन थी तो मैंने अपने फेस में करवाया, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला मेरे को। तो मैंने आज फुली, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ना टाइम लगता है। हाँ, रोज़ फुली आप पैक बना सकते हो, पैक लगा सकते हो, पर फेशियल तो नहीं हो पाता, क्योंकि इतना टाइम किसी में नहीं होता है कि हम उसे करें, ऐसे करें, वो करें। रिकमेंड करनी ठीक है, अच्छी बात है कि जिन पे टाइम है, घर पे हैं, जो वर्क लोग हैं उन पे इतना टाइम नहीं रहता है कि जो फेशियल बनाए वो घर पे बनाए। तो सबसे मैंने आज फेशियल कराया था बनाना का, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरी ड्राई स्किन है और अच्छा भी है, ब्लैकेट्स के लिए भी और वाइट हेड्स के लिए भी, ऑयली स्किन के लिए भी, ड्राई स्किन के लिए भी, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकला है। इसलिए मैंने आपसे शेयर करी थी ये वीडियो। आपको फोटोज भी, जो बनाना का फेशियल मैंने करवाया था तो उसमें थे 7 स्टेप, क्योंकि कोई कोई कहीं कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, जो सैलून में जाते हैं तो वो पूछते हैं, कभी ऐसा हो जाता है कि अर्जेंट वो पूछते हैं कि कौन से फेशियल में कितना कितने स्टेप होते हैं, किसी में 4-5 भी होते हैं, किसी में 4 भी होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 7 होते हैं। वैसे टोटली 7 ही होता है। पहले क्लींजिंग, फिर था टोनिंग, फिर था स्क्रबिंग, फिर मसाज, चेयर मसाज, मसाज पैक, ठीक है। ये हमारे होते हैं 6 कंप्लीट। और जैसे नहीं कर रहा है, मैं ऐसे नहीं बोलती कि नहीं है, पर जिसमें टाइम है वो कर सकता है, जिसमें टाइम नहीं है वो फेशियल वगैरह या पार्लर में जाके कर सकती है, ब्लेंडर करके तब फेस फेस पैक बनाए। पर हम लोगों में जैसे टाइम नहीं लगता है, जो वर्क वाले लोग हैं उसके लिए बनाना फेशियल भी काफ़ी अच्छा है। जो नहीं है, किसी में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो जैसे हमने बनाना खाया जो बाहर का छिलका होता है, उसका स्क्रबिंग करके देखना, उससे भी बहुत काफ़ी अच्छा।